हाय गाइस, इससे पहले हम लोगों ने देखा था लाइक बेसिक यूआई सिलेट का। ठीक है, सिलेट में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने लाइक ट्री, टूल बार, पैरामीटर्स, इन सब के बारे में देखा था। यूआई क्या है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना देखा था, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया था हमारे यहाँ पे। ठीक है, रिप्लेस कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं ये सारे हम लोगों ने देखे थे भाई, किस टाइप से आप यहाँ पे रोटो लोगे तो किस टाइप से आपकी चीज़ें फुलफिल होंगी। ठीक है, बाद में हमने नोट्स भी देखा था, नोट्स में कैसे क्या काम करते हैं। आज हम लोग काम करने वाले हैं टूल बार। ठीक है, टूल बार में सबको देखेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले देखेंगे। इंपॉर्टेंट में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ब्रिजर है, ठीक है, बेस स्प्लाइन है, ठीक है, और एक्स स्प्लाइन है। बेसिक्स में हम लोग देखें तो वो हमारा पहले काम करने वाला है। तो स्विच करते हैं हम लोग यहाँ पे सॉलिड पे, ओपन कर लेंगे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट करना है, न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आपने जो एक एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस के अंदर आप यहाँ बच्चों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नाम देना है, जैसे मैंने कहा बेसिक्स हैं तो बेसिक टूल करके मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पे, डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने से मेरे पास यहाँ पे इमेज कबाट आ जाता है। मुझे यहाँ पे जो इमेज चाहिए वो ये वाला इमेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी एंड देन सेलेक्ट पे गया एंड कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल वी एंड ओपन। ये मैं अगर सिंपल कॉल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। मुझे क्या करना है, रोटो ही करना है, तो रोटो के टूल बार अपने आप यहाँ पे वर्कस्पेस यहाँ पे आ जाएगा। मेक श्योर आपका पहले से प्लानिंग होना चाहिए कि करने वाले क्या हो, ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस। अभी हम लोग देखते हैं मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे कितना कस्टमाइज़ कर सकते हैं, देखना अभी ऐसे हम लोग कस्टमाइज़ करना चाहे कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो सबके स्टेप्स एंड टूल्स सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। देखो बेस प्लाइन है, बेस प्लाइन अगर मैं यहाँ पे जाके क्रिएट करता हूँ, मैंने बेस प्लाइन पे गया यहाँ पे, देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, एक तरीका ये है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अभी स्टेप्स को मैंने सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे सेलेक्ट होकर इसको मैंने यहाँ पर मैनेज किया, तो भाई मेरे पास एक स्टेप यहाँ पर आ गया। इसके बाद वापस चलते हैं बेस प्लाइन पे, बेस प्लाइन में थोड़ा सा पॉइंट्स देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे रफली मैं एक बार कुछ पॉइंट देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा पॉइंट्स मैं बीच में दे देता हूँ यहाँ पे, मैंने बीच में पॉइंट्स पॉइंट्स दिए। ठीक है, अगर पॉइंट्स दे रहे तो उसमें पॉइंट्स के साथ कैसा है ये, जस्ट क्या बेसिक में आप जब आप काम करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, लेकिन इसमें मैंने पॉइंट्स मैंने अलग निकाल के दिए हैं। तो पॉइंट्स अगर मैं अलग निकाल के देता हूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया तो मैं यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं चीज़ों को मैं बैलेंस करता हूँ तो बैलेंस करने के लिए मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। तो जब तक आप इसको देखो क्लिक कर रहे हो, क्लिक करने को यहाँ पे पॉइंट आपको नजर आते हैं, एरिया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अभी कितने पॉइंट्स के साथ मैं अगर मैं मैनेज करता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया, दूसरा क्लिक यहाँ पे किया, ठीक है, तीसरा क्लिक यहाँ पे किया, वापस मैं इसी पर आता हूँ। ठीक है, अभी मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ, तो मेरे सब चीज़ है ये बेसिक सब मेरे पास पार्ट दिख रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास पूरा एक पार्ट यहाँ पे गिवन है कि आप शेप्स को कैसे मैनेज करो, किस टाइप से चीज़ को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी ये मेरा था सिंपल सा पार्ट बी स्प्लाइन। ठीक है, बी स्प्लाइन के साथ मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो ये पार्ट मुझे देख रहा है यहाँ पे। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे जैसे सपोज एक क्लिक किया मैंने यहाँ पे, दूसरा लेफ्ट क्लिक, देखो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड यहाँ पे तीसरा लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे देखो यहाँ से कुछ अलग नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे। अभी जब मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट करके मैं इसको इधर से इधर मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसे कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके मैं मैनेज यहाँ पे करके दिखाऊंगा, भाई मुझे यहाँ पे मैनेज करना है तो मैं ऐसे करके बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ जैसे स्मूथ कर्व वाले शेप में बहुत बेटर काम करने वाला है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम से पूरा एक्यूरेट एंड सेम शेप्स को मैं लेके आऊँगा यहाँ पे, मैं ऐसे मैनेज करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मैं बस 20 वाले पार्ट से ही काम है जिसको मैं दिखा सकता हूँ। ए से ओवरले, ए से अल्फ़ा आपके यहाँ पे दिख जाएगा आपको शेप्स को कैसे मैनेज करना है। तो 20 लाइन को थोड़ा सा समझोगे आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन है, यहाँ पे कॉर्नर, कॉर्नर भी मिलेगा, राइट क्लिक के यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे बी स्प्लाइन कर दे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा सेंटर, आप सेंटर भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, देन कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर किया, देन यहाँ पे आपने क्या किया बी स्प्लाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर, यहाँ से देखो क्या मेरे पास मैनेज हो सकता है।
रीसेट किया, रीसेट कुछ नहीं, तो मुझे फिर यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इन कुछ बेसिक चीज़ों का आप थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई क्या पार्ट होता है। जैसे इनवर्स इनवर्स सिलेक्शन, सिलेक्शन किया मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड इनवर्स सिलेक्शन, तो इसको छोड़ के मैं बाकी सब सेलेक्ट करना है तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमने देखा बी स्प्लाइन है। ठीक है, बी स्प्लाइन को लाइक थोड़ा सा और मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा जो दूसरे पार्ट में, उनको एक बार देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये जब बेसिक शेप में मैं काम करता हूँ, तो बेसिक शेप में मुझे यहाँ पे एक बार एक जस्ट बेसिक ट्राई करके देख लेना मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया बैक स्पेस, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे इट्स नॉट वर्किंग, देखना है एक बार। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ से सेट किया, अभी यहाँ पे क्या इन चीज़ों के साथ मैं दोस्तों बैलेंस करूँ, मेरे पास यहाँ पे और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे कॉर्नर करके देख सकते हो, तो इसके अंदर फीचर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने देख लिया, अभी फिलहाल मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ डिलीट बटन प्रेस करूँ तो मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे इसी में एक्सप्लेन देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन में क्या काम होता है। यहाँ पे देखिए, बीच में पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं दिया है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी मैं इसके अंदर मैं एक्सप्लेन में जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन के अंदर मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे बैलेंस करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये जनरल सा पार्ट आपको देखेगा यहाँ पे, मैं कैसे क्या मैनेज कर रहा हूँ, मैनेज करने के लिए फैदर करने के लिए फैदर भी है, ए प्रेस करोगे तो आपको ए भी देखेगा यहाँ पे, तो फैदर वाला पार्ट भी आपको देखेगा आप कैसे मैनेज कर रहे हो। आप ऐसे एक साथ पकड़ के भी आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, बेसिक चीज़ों को अगर पकड़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे दिख रहा है शेप्स को मैं सेलेक्ट करना है, शेप्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, कस्टमाइज़ करना है कस्टमाइज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देखो एक्स पे गए, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 मैंने ज़्यादा पॉइंट दे दिए यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके साथ में अगर मैं मैनेज करना चाहूँ मेरे पास पॉइंट्स कैसे हैं, पॉइंट्स के साथ मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया कॉर्नर करना तो कॉर्नर कर सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर हो गया, यहाँ पे स्मूथ हो गया, ऐसे नीड हो तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कार्डिनल करके, इसको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, ये शायद इससे पहले वाले में नहीं था। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना बाहर जैसा कुछ काम करना है तो बाहर ऐसे भी से कई शेप्स को आपको मैनेज करना है तो मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स आपके साथ इसमें अलग से ऐड ऑन कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर है एंड बी स्प्लाइन है, आप सब चीज़ को मैनेज कर सकते हो। बी स्प्लाइन अंदर की तरफ जा रहा है, कॉर्नर आपका यहाँ पर सेम शेप पर जा रहा है और कार्डिनल से बाहर जा रहा है, तो आप ऐसे करके मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। सेंटर में कर दिया तो सेंटर में एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वही सेंटर में मुझे लेके आया तो ऐसे भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे। ओके, अभी जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक करके मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकता हूँ, मुझे अगर चीज़ों को मैनेज करना है तो हम लोग ऐसे भी बैलेंस करके देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने देखा था अभी एक्सप्लेन, इसके भी काफ़ी फीचर्स है जो मैंने इसके और डिटेल वीडियोज़ में मैंने शेयर कर रखे हैं, एक बार क्रॉस चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमने देखा दिस इज लाइक बी स्प्लाइन, ये एक्सप्लेन हो गया यहाँ पे। देन हम लोग यहाँ पे ब्रेजर, ब्रेजर को बहुत अच्छे से जानते हो जिन लोगों ने माया किया हो, जिन लोगों ने माया नहीं फोटोशॉप किया वो और अच्छे से जानते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हार्ड सर्फेस के लिए अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है दूसरा पार्ट यहाँ पे मैंने 1 क्लिक किया, यहाँ पे वापस मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा ब्रेजियर 1 क्लिक। ठीक है, देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे मैं ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, सिर्फ दिख रहा है आपको यहाँ पे। दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये जो फीचर्स मिल रहा है वो फीचर्स मेरे को और किसी में नहीं दिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ऐसे देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल मैंने क्लिक किया यहाँ पे एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। अभी इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे ऐसे एडजस्ट करो, यहाँ पे एडजस्ट करो, कोई भी शेप आपको बनाना है आप यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करके बना सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना है, इसको शेप का आप ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो आप यहाँ पे, जो आपको कस्टमाइज़ करना है। तो कस्टमाइज़ के लिए आपको यहाँ पे इसके कंट्रोलर्स मिलते हैं जो बाकी दोनों में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं चीज़ों को मैनेज करूँ यहाँ पे, अगर देखो देखो यहाँ पे ये जैसे मैं इस पार्ट यहाँ पे देखो मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो देखो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल एंड लेफ्ट माउस बटन मैंने क्लिक किया तो जो यहाँ पे था उससे वो दूसरा पॉइंट भी एक्टिव हो गया यहाँ पे। तो अगर इससे मैं मैनेज कर दूँ, देखो मैनेज करके
मैं दे सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पर कोई भी काम करना है अभी देखो। अभी देखो ये पॉइंट मैं यहाँ देख रहा है, कंट्रोल क्लिक करके देखा पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पे आ गया। कई बार एक पॉइंट अगर आपको दिखे तो आप ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, जब तक आप प्ले नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कितना एडजस्ट करना है देखो यहाँ पे, ये आपको बैलेंस समझना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे काम किया। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, तो मैं ऐसे करके मैनेज कर सकता हूँ भाई। तो ऐसे करके आप अगर बैलेंस करते हो तो आपके पास यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। यहाँ पे सेव्स में मेरे पास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे, तो आपको ये थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए। अब ये कैसे काम कर रहे हैं, किस टाइप से काम कर रहे हैं, ठीक है देखो यहाँ पे, ठीक है देख रहे हैं आपका यहाँ पे। देखो मैं अगर ऐसी चीज़ों को मैं बैलेंस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो नॉर्मल मैं लेफ्ट क्लिक करके भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को चाहिए बैलेंस करना है, मैं यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल प्रेस करके भी मैं मैनेज करके दे रहा हूँ भाई यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे शेप्स को मैं मॉडिफाई करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ऐसा भी करो आप, यहाँ से यहाँ पर भी करो, ठीक है यहाँ से बैलेंस भी करो, तो आपको आइडिया मिलेगा कहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा है उसको आप मैनेज कर दो कहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपको पॉइंट्स को पकड़ के आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पर मैं ऐसे मैनेज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे, ठीक है ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हो अप एंड डाउन, ठीक है काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ब्रेजर में है, ब्रेजर में मैंने देखा तो ब्रेजर के मेरे पास यहाँ पे चाहिए होगा, तो ऐसा मैं बैलेंस मैनेज करके दूँ यहाँ पे। सिंपल 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 पॉइंट्स है, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ किया, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे किया और कुछ यहाँ पे भी कर दिया, तो बेसिक शेप वाइज मैं चीज़ों को ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है कनेक्टेड करो यहाँ पे, देखो देखा है आपकी नहीं है कनेक्टेड, तो यहाँ पे मैं शेप्स को ऐसे मैनेज करके दिखाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तीनों चीज़ देख लिया, ठीक है तो ये तीन चीज़ ज़्यादातर यूज़ किए जाएंगे जो हम लोग बेसिक शेप में देखेंगे, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर काम किया जाएगा। हार्ड सरफेस के लिए, हार्ड सरफेस का मतलब है जैसे कोई भी बिल्डिंग है, बेसिक शेप ऐसे बॉक्स टाइप के कोई शेप है, उनके लिए अगर आई सजेस्ट अगर आप ब्रेजर यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है बाकी चीज़ों के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है बाकी अगर कैरेक्टर कोई सॉफ्ट या कर्व ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक्सप्लेन ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद आप ये भी बेस लाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आइडिया मिल जाएगा।